ब्रह्मा जी द्वारा वेदों की रचना हो या मां दुर्गा द्वारा महिषासुर का संहार। कैलाश को जाते हुए महादेव व मां पार्वती द्वारा यहां की गई पूजा हो या फिर 12 साल में एक बार होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा का एक मुख्य पड़ाव। अपने आप में कई कहानियों और घटनाओं को संजोए हुए है भारत का यह सबसे बड़ा बुग्यान। आज मैं जाने वाली थी आली बेदनी बुग्याल के ट्रैक पर। त्रिशूल और नंदा घुंटी जैसे हिमालयन श्रृंखलाओं के अनोखे दृश्यों के लिए फेमस यह बुग्याल बड़ा होने के साथ काफी खूबसूरत भी है। तीन चार दिन में पूरे होने वाले इस ट्रैक पर आने वाले खूबसूरत पड़ावों के अलावा मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसे विचित्र मंदिर में जहां साल में सिर्फ एक दिन आंखों पर पट्टी बांधकर की जाती है पूजा। आली बेदनी ट्रैक की शुरुआत होती है उत्तराखंड के चमोली जिले के लोहजंग गांव से। सुबह 8 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। लोहजंग से 6 किलोमीटर ड्राइव के बाद आता है कुलिंग गांव और यहां से शुरू होता है आली बेदनी बुग्याल का पैदल रास्ता। नौ बजे हम कुलिंग से आगे की तरफ निकल गए। पहले कुछ किलोमीटर रास्ता डाउन का था। 1 किलोमीटर ट्रैक के बाद हमने अपना पहला ब्रेक लिया। मेरे साथ इस ट्रैक पर थे बलवीर जी और त्रिलोक जी, जिन्हें आप पहले ब्रह्मताल और रूपकुंड की वीडियोस में देख चुके हैं। ढाई तीन किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक छोटी सी नदी आती है। पहले यहाँ पर लोहे का एक पुल हुआ करता था जो कुछ समय पहले आई बाढ़ में टूट चुका था। हम थोड़ा देर यहीं पर बैठ गए और बलबीर जी मुझे आसपास की जगहों के बारे में बताने लगे। इस नदी को पार कर अब यहां से आज की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस नदी के पास छोटे छोटे खेत बने थे जिसकी वजह से यहां चारों तरफ हरियाली नजर आ रही थी। अभी तक कुलिंग से हम कोई 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर चुके थे और आज के दिन का 3 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी था। आज हमें एक दीदना नाम के गांव पहुंचना था। अब अगले 3 किलोमीटर का ट्रैक घने जंगलों से होकर जाता है और 3 किलोमीटर के बाद अब कुछ घर दिखने लगते हैं। कुलिन से लगभग 6 किलोमीटर के ट्रैक के बाद पहुंच चुके हैं हम पहले मुख्य पड़ाव पर जो है दीदना गांव, और यही हमारा आज का नाइट स्टे भी होने वाला है। अभी यह गांव रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। यहाँ पे आपको आलू की खेती दिख जाएगी और साथ साथ में सेब के पेड़ भी हैं काफी, इनमें भी छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं।
दिन में 1-2 बजे हम रफ्तार एडवेंचर के होम स्टे पर पहुंच गए। यहां पहुंचकर मेरी मुलाकात हुई इस होम स्टे के ओनर से, जो हमारे लिए लंच की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे पुदीने लगे हुए हैं ये, और इन्हीं से हमारे लिए अभी ठंडा ठंडा जूस बनेगा। इस गांव में रोड या कोई दुकानें नहीं है, यही वाला ना? हाँ। लेकिन गांव में ही सब्जी दालों आदि की खेती होती है, तो हमारे लिए लंच में गांव की दाल बनाई गई। टिपिकल जो चूल्हे का बना खाने का स्वाद होता है वही आ रहा है इसमें। शाम को हम गांव घूमने निकल गए। पुराने पत्थरों के घरों के अलावा यहां कुछ नए होम स्टे बन रहे थे। गांव के एक किनारे पर पहुंच आप पूरा दीदना गांव देख सकते हैं। यहां से ऊपर पहाड़ की चोटी पर आली बुग्याल का एक छोटा सा पार्ट दिख रहा था। कल हमें पहले उसी पॉइंट पर पहुंचना था और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर का ट्रैक और कर शाम तक एक कैंप साइट में पहुंचना था। अगले दिन सुबह हम 6 बजे उठ गए। ब्रेकफास्ट करके 8 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। आज का ट्रैक लंबा होने वाला था, जो कि 12 किलोमीटर का था। इस मौसम में अभी कोई ज्यादा ट्रैकर्स नहीं थे, तो रास्ता सुनसान ही था। एक किलोमीटर के बाद हम एक पेड़ के नीचे बैठ गए। यहां से हम दूर पहाड़ पर लोहाजंग गांव देख सकते थे, जहां से कि हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। यहां से अब अगला 3-4 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ाई वाला ही होने वाला था। आगे चलने पर अब रास्ता सूखे पत्तों से ढका हुआ था। आगे चलने पर मुझे एक घास दिखाई गई और मुझे बताया गया कि यह घास पैकिंग में यूज होती है। सेव के पेटी में पैकिंग, वो सेव के लिए पैकिंग के लिए आर खता ही नहीं लाजी में। अच्छा भाई, ये आवाज आ गई, बहुत आवाज आ गई आज। सेव की पेटियां पैक होके आती हैं यहां, तो इसी घास में पैक होके आती हैं, जिससे सेव जो है थोड़ा सेफ है। देदना गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक छोटा सा पड़ाव आता है, जिसे कहते हैं तोल पानी, और यहाँ पे नीचे पानी का सोर्स है। तोल पानी में ही मुझे भेड़ बकरियों का एक बड़ा झुंड मिला। हिमालयन ट्रैक्स में ये एक बड़े अट्रैक्शन होते हैं। इन ग्रुप्स की वजह से ऐसे सुनसान ट्रैक्स पर भी चहल पहल बनी रहती है। हम थोड़ा देर यहीं रेस्ट के लिए बैठ गए। बलवीर जी और त्रिलोक जी उन चरवाहों से बातें करने लगे, तो मैं भी इन बकरियों और भेड़ों के बीच चली गई।
कोई 10-15 मिनट रेस्ट के बाद एक बार फिर हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। तोल पानी के आसपास का एरिया इतना खूबसूरत है कि आपका बस यहीं बैठने का ही मन करता है। यहाँ से अब 2-3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होने वाली थी, लेकिन अभी पूरा दिन पड़ा था तो हम आराम से रुक रुक कर चल रहे थे। आधा घंटा ट्रैक करने के बाद अब हम इस घने जंगल से निकल एक छोटे घास के मैदान में पहुंच गए। यहाँ पर एक ढाबा दिखा तो हम कुछ देर यहीं पर रुक गए। इस पूरे ट्रैक पर आपको यही एक ढाबा मिलता है। यहाँ से आगे का रास्ता अब ज्यादातर फ्लैट ही होने वाला था। अब धीरे धीरे पेड़ कम होने लगे थे। जो पेड़ दिख भी रहे थे वो भी इतने हरे भरे नहीं दिख रहे थे। अब ट्रैक पर छोटे छोटे बुग्याल आने शुरू हो गए और ट्री लाइन खत्म सी होने लगी। यहाँ आसपास कई पेड़ टूटे पड़े थे। एक घंटे पहले जहाँ हम घने जंगलों से गुजर रहे थे वही अब रास्ता खुले मैदानों से होकर जा रहा था। इन घास के मैदानों में रास्ता फ्लैट तो होता है, लेकिन जब तेज धूप आती है तब जंगलों की छांव याद आने लगती है। धूप तेज होने की वजह से अब थकान जल्दी लगने लगी थी तो हमने फिर से एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। अभी तक हम कोई 7 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके थे। यहाँ से आगे जाते ही अब शुरू हो जाता है आली बुग्याल। सामने जहाँ तक भी अब नजर जाती बस घास के मैदान ही दिखते हैं। अभी तक मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि अब बुग्याल कितना बड़ा होने वाला है। इस पॉइंट से अब दीदना गांव काफी क्लियर दिख रहा था, जहां से कि हमने आज सुबह ट्रैक स्टार्ट किया था। इस धुंधले मौसम में भी दीदना के रंग बिरंगे घर धूप में चमक रहे थे। दीदना से लगभग 8 किलोमीटर के ट्रैक के बाद पहुंच चुके हैं हम आली बुग्याल और यहां पर होने वाला है हमारा लंच। हम दीदना से ही लंच पैक करवा के लाए थे। चम्मच एक ही था जो मुझे दे दिया गया और त्रिलोक जी और बलवीर जी पैकिंग के ही ढक्कन से चम्मच बनाकर अपना लंच करने लगे। बगल में ही एक गाय घास चर रही थी तो हमने थोड़ा लंच उसके साथ भी शेयर कर लिया। लंच करने के बाद मैं थोड़ा देर वहीं लेट गई।
बुग्याल के इस पार्ट से अब फूल भी मिलना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ बैठने में वैसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन बुग्याल के इस भाग पर इतने उड़ने वाले कीड़े थे कि हम जहाँ भी बैठते ये झुंड में कपड़ों पे चिपक जाते। आधा घंटा लंच ब्रेक लेने के बाद अब हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया। एक के बाद एक 1.5-2 किलोमीटर तक हमने इस बुग्याल के कई हिस्से पार कर लिए। यहाँ से अब हमें आली बुग्याल के समिट पर जाना था और वहां पर थोड़ा देर रुक के 1.5 किलोमीटर आगे अपने कैंप साइट पर पहुंचना था। आगे जाने पर अब बुग्याल पर काफी फूल खिले हुए थे। बुग्याल पर उगी इस घास के बीच ये रंग बिरंगे फूल एक सुंदर जीती जागती पेंटिंग से लग रहे थे। यहाँ से अब आली बुग्याल समिट कोई 0.5 किलोमीटर ही दूर रह गया था। दिन में लगभग 2 बजे हम आली बुग्याल के टॉप पर पहुंच गए। इस घास के मैदान के बीचों बीच एक के ऊपर एक पत्थर रखे दिख जाते हैं, जो कि आली बुग्याल समिट की पहचान है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद अब हम अपने कैंप साइट के लिए निकल गए, जो कि यहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूर था। जब हम कैंप साइट पर पहुंचे तब तक बाकी की टीम ने हमारे टेंट्स और किचन सेटअप कर दिया था। यहां पहुंचने तक अब हम सब थक चुके थे, तो हम सब ने थोड़ा देर आराम किया। शाम 5 बजे टेंट से बाहर आई तो गर्मा गर्म चाय और पकौड़े रेडी थे, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शाम को मैं अपने टेंट एरिया के आसपास ही घूमने लगी। बुग्याल के जिस भी हिस्से में थोड़ा पानी था वहां पर इस तरह की छोटी छोटी फूलों की घाटी सी खिली हुई थी। शाम को हम सब अपने किचन एरिया में बैठ गए। यहाँ पर अब डिनर की तैयारियां शुरू हो गई थी। रात 9 बजे हम डिनर करके सो गए। अगले दिन सुबह 6 बजे उठकर टेंट से बाहर आई तो एक नया दोस्त इंतजार करता मिला। हल्की हल्की धूप निकल चुकी थी और मौसम काफी सुहावना लग रहा था। थोड़ी देर में हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी था। ब्रेकफास्ट करते करते इस नए दोस्त का एक दोस्त और आ गया।
सात बजे अब मैंने आली बुग्याल से आगे का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। यहाँ से अब हमें बेगनी बुग्याल जाना था, जो यहाँ से कोई 2.5-3 किलोमीटर दूर था। ये दोनों बुग्याल मिलकर ही आली बेगनी बुग्याल बनाते हैं। कैंप साइट से 0.5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मंदिर बना है, तो सोचा इस मंदिर के दर्शन करके ही आगे बढ़ो। यह छोटा सा मंदिर पत्थरों का बना हुआ है और भगवान शिव व माँ पार्वती की छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ रखी हुई हैं। धीरे धीरे धूप पहाड़ के पीछे से निकल इस बुग्याल के चारों तरफ फैल रही थी। यहाँ से थोड़ा नीचे मैं भेड़ बकरियों का एक बड़ा सा ग्रुप देख सकती थी। मंदिर के दर्शनों के बाद एक बार फिर मैं बेगनी बुग्याल की तरफ निकल गई। आली से बेगनी बुग्याल का ज्यादातर रास्ता हल्की चढ़ाई वाला ही है। अभी तक इस बुग्याल में पानी काफी लिमिटेड था। कैंपिंग के लिए भी पानी टेंट से कोई 0.5 किलोमीटर नीचे जाकर लाना पड़ा था। दो किलोमीटर बाद आपको एक बोर्ड लगा मिल जाता है और यहीं से बेगनी बुग्याल शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में ही बलवीर जी और त्रिलोक जी भी यहाँ पहुंच गए। आधा किलोमीटर और चलने के बाद अब थोड़ी दूर ही बेगनी कुंड दिखने लगा। आली बुग्याल से यहाँ पहुंचकर आपको बेगनी कुंड पहुंचने के लिए थोड़ा नीचे की तरफ ट्रैक करना पड़ता है। बेगनी कुंड की तरफ जाते हुए आप पूरा बुग्याल का व्यू देख सकते हैं। बेगनी बुग्याल इतना बड़ा और मनमोहक लग रहा था कि मैं जगह जगह रुककर इस बुग्याल को एक कोने से दूसरे कोने तक देखती रहती। थोड़ा आगे जाने पर यहाँ काफी फूल खिले मिले। यह भी किस्मत की बात थी कि इतने फेमस व बिजी ट्रैक होने के बावजूद भी जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर में ही मैं बेगनी कुंड के पास पहुंच गई। अभी इस कुंड में पानी नहीं था, लेकिन इस कुंड के एक कोने में ही पुराना पत्थर का बना मंदिर दिख रहा था। अब हम इस कुंड के दूसरी तरफ चले गए, जहां के दो और छोटे छोटे मंदिर बने हैं।
इनमें से एक मंदिर पुराने समय के पहाड़ी घरों के स्टाइल में बना हुआ था। इन बुग्यालों में कई प्रकार की घासें उगती हैं। इनमें से कई घासें इतनी तेजी से बढ़ती व फैलती हैं कि ये यहाँ आसपास के फूलों को नहीं उगने देती। तो बलवीर जी और तिलोक जी मंदिर के पास इसी घास की सफाई में लग गए और फिर मैंने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। इस बेदनी बुग्याल से काफी कहानियां जुड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रचलित कहानी के अनुसार यहीं पर माँ पार्वती ने महिषासुर का वध किया था। एक दूसरी कहानी के अनुसार जब महादेव व माँ पार्वती कैलाश की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने यहाँ रुककर पूजा अर्चना की थी। आज भी जब नंदा देवी राजात यात्रा निकलती है तो यह जगह एक मुख्य पड़ाव होता है और बेदनी कुंड में स्नान के बाद ही मां नंदा की डोली को ऊपर कैलाश की तरफ ले जाया जाता है। बाकी कुछ लोकल कथाओं के अनुसार बेदनी में ही ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की थी और कहते हैं कि इसी वजह से इस जगह का नाम बेदनी पड़ा। आली बेदनी बुग्याल का दूसरा मेन अट्रैक्शन है यहाँ से दिखने वाली हिमालय की त्रिशूल व नंदा घुंटी जैसी श्रृंखलाएं। साफ मौसम में आप बुग्याल के किसी भी पॉइंट से इन श्रृंखलाओं को ऐसे देख सकते हैं मानो ये आपके सामने ही हो। हम 2 घंटे तक बेदनी कुंड के पास बैठे रहे। मन की शांति हो या आंतरिक आध्यात्मिक भाव, इन्हें आप हर एक पल यहां महसूस कर सकते हैं। ग्यारह बारह बजे के आसपास अब हम बेदनी कुंड से नीचे की तरफ आ गए। जाते हुए अब हमारा रास्ता अलग होने वाला था। हम यहां से अब वाण नाम के गांव जाने वाले थे जहां हम एक अनोखे मंदिर के दर्शन करने वाले थे। यहां से वाण गांव का कोई 12 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला था और फिर वहां से ड्राइव करके हम लोहाजंग वापस पहुंचने वाले थे। बेदनी बुग्याल से नीचे आते हुए आप थोड़ा ही दूर एक जंगल देख सकते हैं और यह जंगल था भोजपत्र का। मैंने गौमुख तपोवन ट्रैक पर भी भोजपत्र के पेड़ देखे थे लेकिन इतने हरे भरे और घने आज मैं पहली बार देख रही थी। बेदनी बुग्याल के 1-2 किलोमीटर नीचे अब आता है डोलिया धार। यहाँ पर आप एक बड़ा सा त्रिशूल देख सकते हैं। यह पॉइंट काफी खूबसूरत है। यहाँ बैठकर आप नीचे वाण गांव और उसके आसपास के सारे व्यूज देख सकते हैं। हम यहाँ 10-15 मिनट बैठे रहे और इन्हीं नजारों को देखते रहे।
यहाँ से नीचे अब काफी ढलान का रास्ता था। शायद इसी वजह से ज्यादातर ट्रैकर्स वाणगांव के रास्ते से ऊपर बेदनी बुग्याल के लिए ट्रैक नहीं करते, क्योंकि ऊपर आते हुए यह रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई वाला बन जाता है। त्रिलोक जी और बलबीर जी अभी थोड़ा पीछे थे, तो मैं इंतजार करने के लिए एक पेड़ पर बैठ गई। बेदनी कुंड से लगभग 6 किलोमीटर ट्रैक के बाद अब हम आ गए थे इस ट्रैक के एक और मेन पड़ाव पर, जो था घैरोली पाताल। अगर आप वाणगांव से ट्रैक शुरू कर रहे हैं तो पहले नाइट की कैंपिंग ज्यादातर यहीं पर होती है। किसी पॉइंट से आगे अब मोबाइल नेटवर्क मिलने लगे थे। बीच बीच में जहां पॉसिबल होता हम मेन ट्रेल को छोड़कर शॉर्टकट ले लेते। कुछ किलोमीटर और ट्रैक के बाद अब थोड़ा दूर एक नदी की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब यह था कि अब हम वाणगांव के काफी पास पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में अब हम नदी के पास आ गए और यह नदी थी नीलगंगा। नीलगंगा नदी के ऊपर बने पुल को पार कर हम वहीं थोड़ी देर बैठ गए। नदी से कुछ किलोमीटर और चढ़ाई के बाद अब वाणगांव के कुछ घर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, तो हमने वहीं बैठकर अपना लंच कर लिया। यह वाणगांव काफी बड़ा था। यहाँ से हमें जिस अनोखे मंदिर को देखने जाना था वो अब भी 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। कोई 20-25 मिनट और ट्रैक के बाद अब हम फाइनली पहुंच चुके थे इसी अनोखे मंदिर के गेट पर, और यह मंदिर था यहाँ के फेमस लाटू देवता का। जब से मैंने इस मंदिर की कहानी सुनी थी तभी से मैं यहाँ आना चाहती थी। इस मंदिर की बात करें तो यह मंदिर लाटू देवता को समर्पित है। लाटू देवता उत्तराखंड की आराध्य देवी माँ नंदा के भाई माने जाते हैं। यह मंदिर साल में बस एक ही दिन बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन खुलता है, और इस दिन सिर्फ इस मंदिर के मुख्य पुजारी ही आंख व मुंह पर पट्टी बांधकर मंदिर के अंदर जाते हैं। इस मंदिर के अंदर भक्तों को जाने की अनुमति नहीं होती। मान्यता है कि यहाँ लाटू देवता नागराज के रूप में अपनी मणि के साथ रहते हैं। नागराज के रूप को देखकर डर न जाए इसीलिए पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, और साथ ही नागराज की विषैली गंध नाक तक ना पहुंचे इसीलिए नाक पर भी पट्टी बांधी जाती है। ये लाटू देवता यहाँ कैसे विराजमान हुए उसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है।
कहते हैं कि जब माँ नंदा यहाँ अपने मायके से विदा हो रही होती हैं, तो उनको विदा करने बाकी गांव वालों के साथ उनके भाई लाटू भी शामिल होते हैं। रास्ते में जब लाटू देवता को प्यास लगती है तो वो एक झोपड़ी में घुस जाते हैं, जहां उन्हें दो मटके दिखते हैं। एक मटके में पानी और दूसरे मटके में शराब रखी होती है। लाटू देवता गलती से पानी की जगह शराब पी लेते हैं और उसके बाद वह उत्पात मचाने लगते हैं। ये देखकर नंदा देवी को गुस्सा आ जाता है और वो लाटू देवता को हमेशा के लिए यहीं कैद रहने का आदेश दे देती है। बाद में लाटू देवता के पश्चाताप करने पर माँ नंदा उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि इस गांव में उन्हें लाटू देवता के रूप में हमेशा पूजा जाएगा। मंदिर के दर्शनों के बाद हम सब वापस मंदिर के गेट पर आ गए और अब हम यहां से वापस जाने वाले थे लोहा जंग के लिए।